नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सलाबतपुरा आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि साध संगत पहुंच रही है, संगत आ रही है और भंडारा अभी समाप्त हुआ है। डेरा के बाहर से संगत आ रही है, बातचीत करते हैं बाहर आने वाली बहनों के साथ। आज किस तरह से इन्होंने जो भंडारा बनाया, बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? अंजलि। अंजलि जी, आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी तादाद में जो संगत पहुंची है, लाखों की तादाद में संगत पहुंची, क्या उपलक्ष्य था, किस लिए आज इतना भारी तादाद में संगत आई? ये हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसान के गुरुगद्दी दिवस में 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम जी महाराज ने महापरोपकार किया, उस उपलक्ष्य में ये हर साल भंडारा मनाया जाता है। जी जी जी, हाँ जी। किस तरह से आपने ये भंडारा बनाया? ये सतगुरु के वचनों पे चलते हुए, जैसे कि मानवता भलाई के काम करना, यहाँ पे हर कार्य की वो सेवा ही बनती है, जैसे लंगर बांटना, आईटी विंग की सेवा करना और सफाई वगैरह, ये सारा भंडारे में हमें बहुत खुशी मिलती है ये सेवा करके। हाँ जी मैम, अगर हम बात करते हैं, 5 साल हो चुके हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है आज सारे समाज को। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब क्यों जरूरत? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो इतने, उन्होंने 144 मानवता भलाई के कार्यों में उन्होंने सारी संगत को लगा रखा है, और जो इन चीज़ से वांझे हैं वो सतगुरु आके खुद करेंगे, और हमें तो ये है भी वो जल्दी से जल्दी आए, और समाज को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सतगुरु समाज की। अगर हम बात करते हैं देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, क्या क्या उनका योगदान रहा है, क्या क्या काम किए उन्होंने? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की मानवता भलाई के कार्यों में उन्होंने हमें अपने वचनों पे चलाते हुए, जैसे कि वैश्यों की शादी करवाना और ये गरीबों को राशन बंटवाना, मकान वगैरह बनवा के देना, और नीडी पर्सन जो समाज में जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी हेल्प करवाना आदि इत्यादि वचन वगैरह करवा के सतगुरु ने हमें सेवा बख्शी है जी। जी जी जी, हाँ जी। कितने समय से आप डेरा में आ रहे हो? मैं वैसे तो 30 साल से मैंने गुरु मंत्र ले रखा है सतगुरु जी से, लेकिन 4 साल से, मतलब सतगुरु जी ने एक भी पल क्षण ऐसा नहीं गया कि हमने अपने मालिक को याद नहीं किया हो। हाँ जी। महिलाएं की अगर हम बात करते हैं, महिलाएं डेरा के अंदर कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा, किसी यहाँ पे तो अपने शायद दुनियादारी के हिसाब से, हमें अपने जो दुनियादारी के हिसाब से मायके, वहाँ पे वो अच्छी फीलिंग रहती जो यहाँ पे आके आती है, और मतलब हर दुनियादारी के हिसाब से देखो तो कोई भी अपना नहीं, लेकिन ये जहाँ जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें हर शख्स अपना लगता है, और ये सतगुरु जी की ही सीख है। क्या आज समाज को उनकी जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतगुरु की, सारी दुनिया को ज़रूरत है। वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकले, जो हम तो कर्मों वाले हैं, जो सतगुरु जी ने हमें साथ जोड़ा हुआ है, और हमारी यही मालिक से भी अरदास है, और समाज के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी आना चाहिए। थैंक सो मच मैम। ये थे हमारे साथ महिलाएं जो डेरा सच्चा सौदा से बाहर आ रही हैं, और बताया कि किस तरह मानवता भलाई को समर्पित, मानवता भलाई के कार्य करके इन्होंने 23 सितंबर जो कि गुरुगद्दी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया, और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पूजे गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को समाज के बीच लाया जाए, जिससे कि समाज का भला हो, देश का भला हो। जो समाज में दिन प्रतिदिन कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, उन सबको ख़त्म करने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।